तो एप्लीकेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ कैसे करना है। आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन होगा, जैसे वर्क प्लान एनर्जी में बहुत क्वेश्चन किए हमने, ऐसे हमने काइनेमेटिक्स में भी बहुत क्वेश्चन किए कि अगर मान लो ये अर्थ है, हमने अर्थ के ऊपर तो कुछ किया नहीं, खैर उसमें हमने ग्राउंड से शुरू किया था, इसमें अर्थ है और मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। अब ऊपर जा रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। आपको हाइट बतानी है कितनी हाइट उसने अटेन की। किसी स्टूडेंट ने कहा तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने कहा कैसे, वो कहता वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as और a को क्या पुट करें, -9.8। नहीं, ये एक अर्थ है, अर्थ बहुत बड़ी है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ 5 या 10 मीटर की हाइट में कैलकुलेशन नहीं कर रहा, हजारों में कैलकुलेशन हो रही है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, और वहां जाते जाते जी क्या हो जाएगा, चेंज। तो आप काइनेमेटिक्स तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि काइनेमेटिक्स में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as में a 9.8 पुट करोगे माइनस में, और फिक्स्ड वैल्यू है, और वो फिक्स्ड वैल्यू इसलिए आज तक हमने लगाई पुराने चैप्टर में क्योंकि हमारी हाइट ही 5 मीटर 10 मीटर 50 मीटर 100 मीटर, हमने कब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऑब्जेक्ट को फेंका, हमने फेंका ही नहीं, हमारा जी कभी चेंज ही नहीं हुआ, इसलिए काइनेमेटिक्स पुराने चैप्टर में लग गया, अभी इसमें नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि जी में चेंज। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम काइनेमेटिक्स यहाँ बिल्कुल नहीं लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी प्लैनेट का मास, बॉडी का मास अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पर रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ले ली, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू ऑब्जेक्ट का मास इंटू वी स्क्वायर। टॉप मोस्ट पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, और काइनेटिक टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगी, जीरो। ठीक है, बस फर्क यह है कि एम जी एच नहीं ले रहे हम, एम जी, आप कोई स्टूडेंट कहेगा सर यहाँ जीरो के यहाँ पर एम जी एच ले लो, नहीं ले सकते, एम जी एच का फॉर्मूला बहुत कम हाइट के लिए लगता है, 10 मीटर 50 मीटर 100 मीटर किलोमीटर में बिल्कुल भी नहीं लगाना, नहीं लगता, क्योंकि एम जी एच में जी कैन अगेन चेंज। तो इसलिए ये पोटेंशियल जी का ये बेस्ट फॉर्मूला है, इसमें जी का चक्कर ही नहीं है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो आपने क्या करना है, इन दोनों का सम, इन दोनों के सम को इक्वेट कर दिया, छोटा एम तो हो गया कैंसिल, कैंसिल करके ये कैलकुलेशन आ जाएगी। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, आप कैपिटल जी में सॉल्व ना करें, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू बहुत बड़ी होती है और आपके लिए बड़ा, और मास ऑफ अर्थ गिवन भी नहीं होता। तो बेटर ये होता है कि हमने लास्ट क्लास में किया था स्मॉल जी का फॉर्मूला, जी प्लैनेट का मास बाय आर स्क्वायर, याद है, यहाँ से जी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल जी आर स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ कैपिटल जी एम न्यूमेरिकल में दिखे वहाँ रिप्लेस कर लो स्मॉल जी आर स्क्वायर, तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी, और तो कुछ नहीं है। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको क्वेश्चन में वी पता है, आपको आर पता है 6400 किलोमीटर, जी 9.8 पता है, यहाँ जी 9.8 पुट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैपिटल जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट कर रहे हैं और ये स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 है। तो यहाँ पर वी की वैल्यू हमें पता है और एच कैन बी कैलकुलेटेड, इसमें कैलकुलेशन जरूर बड़ी है, बट हाँ एक बात ज़रूर है कि सॉल्व कैसे करना है, मेथड क्लियर है, ठीक। तो और कुछ टेक्निक नहीं लगानी है आपने, एनर्जी कंजर्वेशन ही लगानी है, और आपने एनर्जी कंजर्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी का इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, एम जी एच यूज़ नहीं करना है इसमें, राइट।